हमारे देश में यूं तो बहादुर अफसरों की कमी नहीं है, लेकिन पंजाब की पीपीएस अधिकारी ऋचा अग्निहोत्री का नाम सुनकर न सिर्फ अपराधियों की हवा टाइट हो जाती है, बल्कि बड़े बड़े नेता भी इनसे टक्कर लेने से कतराते हैं। पहली पोस्टिंग के मात्र सवा साल के अंदर इस महिला अधिकारी को लेडी सिंघम कहा जाने लगा। अगर रास्ते में नियम तोड़ता कोई पुलिस अधिकारी दिख जाए या फिर कोई वीवीआईपी, कार्रवाई करने में ऋचा अग्निहोत्री कभी पीछे नहीं हटी। ऋचा बताती हैं कि बैंस ब्रदर्स के मामले में उन्हें विधानसभा में पेश होना पड़ा, इसके बावजूद उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। रूल्स तोड़ता पुलिस अफसर मिला या पंजाब के पूर्व सीएम बादल की बस, एसीपी ने सबका चालान कटवाया। पंजाब के कई विधायकों, एमपी और अन्य कई वीआईपी की ओर से अपनी गाड़ियों पर हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर अवैध तौर पर लगाई पीली और नीली बत्तियों को ऋचा ने उतरवाया और चालान काटे। एक बार जब एमएलए बैंस की गाड़ी पर लगे स्टिकर उतरवा दिए तो शिकायत विधानसभा स्पीकर तक पहुंची। ऋचा को डीटीओ गर्ग के साथ विधानसभा में भी पेश होना पड़ा, लेकिन उन्होंने इनफोर्स समेत कम नहीं होने दी, यहां तक कि रात में ड्रंकन ड्राइविंग के लिए खुद नाके लगाए। यही कारण रहा कि लुधियाना के लोगों के बीच वे लेडी सिंघम के नाम से मशहूर हुई। एसीपी ऋचा अग्निहोत्री का कहना है कि कानून के दायरे में रहकर समाज की बेहतरी के लिए काम करना उनकी प्राथमिकता में शामिल रहा है और इसी लक्ष्य को लेकर उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की है।